नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले हुए दर्ज। कोविड 19 धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल रहा है और यही कारण है कि हर 24 घंटे में और साथ ही मामलों में रिकॉर्ड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 49,310 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद देश में प्रभावितों की कुल संख्या 12,87,945 पर पहुंच गई है, जिनमें से 4,40,135 लोगों का उपचार चल रहा है और 8,17,209 लोग उपचार के बाद ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद सरकार ने फिलहाल कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की बात से इनकार किया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 9वें दिन कोविड 19 के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 744 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 30,601 पर पहुंच गई है। अब मात्र 30 सेकंड में आ जाएगा कोविड 19 टेस्टिंग का नतीजा। 30 सेकंड में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्ट किट पर काम शुरू हो गया है, जिसके लिए इजराइल की एक टीम DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि भारत में कोविड 19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार का जोर टेस्टिंग को बढ़ाने पर है। देश में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट का काम हो रहा है, इसमें इजराइल की भी एक टीम सहयोग कर रही है। टीम भारत आ रही है। इजरायली दूतावास ने बीते दिन इसकी जानकारी साझा की है। दूतावास की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार यह साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले एक हफ्ते में इजराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में भारत इजराइल एंटी कोविड 19 को ऑपरेशन चलाया जाएगा। निवेश आकर्षित करने के लिए भारत को आर्थिक सुधार की जरूरत। उक्त बातें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कारोबारी माहौल को भारत में मजबूत बनाने के लिए, साथ ही व्यापार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के प्रयासों में निवेश आकर्षित करने में मदद कर रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी कहा है कि टिकाऊ तथा अधिक समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत को और भी ज्यादा आर्थिक सुधार करने की जरूरत है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य प्रवक्ता ने गूगल जैसी कंपनियों के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हालिया घोषणाओं के मद्देनजर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में 20 अरब डॉलर के FDI की घोषणा भी की है। इसलिए इस साल भारत में आने वाले FDI अभी ही 40 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। रामविलास पासवान ने सभी दिव्यांगों को सस्ता अनाज देने की कही बात। रामविलास पासवान ने सभी दिव्यांगजन को सस्ता अनाज देने की बात कही है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि सभी दिव्यांगजन जो सरकार से सस्ता अनाज देने के इच्छुक हैं, वो अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसका लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि दिव्यांगजनों को सरकार की संस्थान राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए रामविलास पासवान ने ट्वीट कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश को उन्होंने काफी गंभीरता से लिया है। मई 2016 में संशोधित 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में दिव्यांगजनों की कुल आबादी करीब 2.70 करोड़ की है। पासवान के आदेश के बाद यह सभी लोग सस्ते अनाज के हकदार हो गए हैं। ट्रेन में कॉन्टैक्टलेस यात्रा के लिए रेलवे ने की अनोखी पहल। कोविड 19 के बेलगाम हो रहे मामलों को देखते हुए, साथ ही रेलवे और विमान को सुचारू रूप से चलाने की पहल को तेज करते हुए रेलवे ने कॉन्टैक्टलेस यात्रा के लिए नई शुरुआत की है, जिसके तहत एक सेल्फ बोर्डिंग पास की मशीन लगाने की तैयारी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सभी यात्री टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट पर QR कोड भी जारी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए एक तरफ टिकट चेकिंग में लगने वाला वक्त बचेगा, तो दूसरी तरफ ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर लोगों की पहचान भी आसानी से हो सकेगी। रेलवे ने सभी स्टेशन पर ऐसी कॉन्टैक्टलेस मशीन लगाने का फैसला लिया है, जिनके सामने खड़े होकर यात्री सिर्फ कैमरा, सेंसर और स्कैनर की मदद से अपने टिकट का PNR नंबर बताएंगे, परिचय पत्र दिखाएंगे। मशीन यात्री के थर्मल चेकिंग करेगी। CBI ने एक बार फिर से अपने नियमों में किया बदलाव। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भले ही अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर शैक्षणिक संस्थान अभी भी बंद पड़े हैं और यही कारण है कि छात्रों के समय की बर्बादी भी बहुत ज्यादा हो रही है और पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। वहीं छात्रों के ऊपर बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए CBSE आए दिन नए नियमों में बदलाव कर रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर से CBSE ने स्कूल के टर्म एग्जाम और असेसमेंट में ओपन बुक सिस्टम को लागू किए जाने का फैसला सुनाया है। ओपन बुक सिस्टम से ही अब छात्र स्कूल का पहला और दूसरा टर्म एग्जाम देंगे, जिसकी जानकारी CBSE द्वारा स्कूल को दी जा रही है। अभी तक टर्म एग्जाम लिखित परीक्षा के आधार पर होती रही है, लेकिन CBSE ने इसमें बदलाव कर दिया है। सरकारी ठेकों ने चीनी कंपनियों पर लगाम लगाने का लिया फैसला। भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद लगातार भारत की तरफ से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में अब चीनी सामान और कंपनियों का वर्चस्व को कायम करने के लिए अब मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 में बदलाव करने का फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक सरकारी ठेकों और नीलामी में उन देशों की कंपनियों को सीधे इजाजत नहीं दी जाएगी जिनकी जमीनी सीमाएं भारत से लगती हो। ऐसे देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं, लेकिन
सरकार का फैसला साफ तौर पर चीनी कंपनियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। फैसला सभी नए और कुछ शर्तों के साथ पुराने ठेकों पर लागू होगा। नियमों में बदलाव करने का अनुसार सरकारी ठेका प्राप्त करने के लिए होने वाली नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, तभी वो कंपनियां नीलामी में हिस्सा लेंगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कांपी धरती। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आज सुबह कंपन महसूस की गई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5 बजे के लगभग महसूस किए गए झटके की तीव्रता लगभग 3.2 दर्ज की गई है। हालांकि इससे किसी जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है, मगर जानकारों की माने तो लगातार आ रही कंपन किसी बड़े झटके का संकेत जरूर दे रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में रात करीब 9:30 बजे झटके महसूस किए गए थे रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 3.5 मापी गई थी। आपको बता दें, कोविड-19 के इस माहौल में प्रभावितों के साथ साथ झटकों ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। लगातार भारत के कई राज्यों में कंपन की खबर सुनने में आई है। पीएचडी डिग्रीधारी महिला से पंगा लेना, पुलिस वालों को पड़ा भारी। इंदौर की एक सब्जी विक्रेता का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो अपने सब्जी के ठेले को हटवाए जाने पर नगर निगम के अधिकारियों को अंग्रेजी बोलकर खूब फटकार लगा रही है। उनकी शिकायत है कि नगर निगम के अधिकारी उन्हें बेवजह परेशान करते हैं। कभी कहते हैं राइट में ठेला लगाओ, कभी कहते हैं लेफ्ट में ठेला लगाओ। इस महिला का दावा है कि उसने इंदौर के अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। महिला ने कहा कि उनका नाम डॉक्टर आयशा अंसारी है। वो इंदौर के मलबा मिल चौराहे पर ठेले वालों को परेशान करने आए नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाती नजर आई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करें, अपनी जान दे दे, प्रधानमंत्री के घर जाए या फिर कलेक्ट्रेट के घर जाकर अपनी जान दे दे। हम लोगों का पुश्तैनी काम ही सब्जी बेचना है। हम पिछले 65 साल से इस काम को कर रहे हैं। अधिकारी कभी कभी आकर कहते हैं यहाँ से चले जाओ, हम कहाँ जाएं। इन सब्जी वालों के परिवार में 25 से 27 लोग हैं, इन्हें कौन खाना खिलाएगा। वो कहती है हमें अपना काम करने दो, हम लोग कई दिनों से लॉकडाउन में पानी पी कर रहे हैं। लगातार दूसरे साल वायु भवन बना सर्वोत्तम भवन। वायु भवन को उनके रखरखाव के लिए लगातार दूसरे साल संपूर्ण भारत में सर्वोत्तम भवन घोषित किया गया है। नई दिल्ली की रफी मार्ग स्थित वायुसेना मुख्यालय को यह सम्मान साल 2019 में दिया गया था। भवन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहां की गई बागवानी के लिए भी लगातार दूसरे साल फ्लावर शो और गार्डन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्र सरकार के मुख्य निर्माण एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास दिल्ली के ल्यूटियंस जोन की सरकारी इमारतों और सांसद के आवासों की मरम्मत की जिम्मेदारी है कि मंत्रालय के उत्कृष्ट रखरखाव के लिए पुरस्कारों की घोषणा की जाए। मयूर मुख्यालय ने 2019 में भी यह पुरस्कार जीता था। नए ई कॉमर्स कानून से ग्राहक को मिलेगी सहूलियत। उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत नई ई कॉमर्स नियमों को लागू कर दिया है। यह नियम डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के तहत बेचे जाने वाले सभी सामानों के लिए होंगे। नए नियम को उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के नाम पर भी दिया गया है। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए रूल्स बनाए गए हैं। इसके तहत खुदरा विक्रेताओं को आसान रिटर्न की सुविधा मिलेगी, ग्राहकों की शिकायत का पता लगाया जा सकेगा और व्यापारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह ई कॉमर्स नियम सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होंगे, चाहे वो भारत में पंजीकृत हो या विदेश में। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस बाबत पूरी जानकारी साझा करते हुए एक वीडियो सम्मेलन में कहा था कि ई कॉमर्स संस्थाएं जो इन नियमों का पालन नहीं करेगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। व्हाट्सएप जल्द ही ला रहा है 2 नए फीचर। व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए आए दिन नए फीचर को लाता रहता है। इसी क्रम में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक नया एडवांस सर्च ऑप्शन जारी करने की घोषणा की है। इस फीचर के तहत यूजर मैसेज टाइप के जरिए व्हाट्सएप पर सर्च कर सकते हैं, जहां एडवांस सर्च मोड में फोटोज, वीडियोस, लिंक्स, ऑडियो और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन कैटेगरी के तहत यूजर के लिए सर्च करना आसान होगा। फिलहाल इस फीचर का डेवलपमेंट जारी है और ऐसे कंपनी कुछ समय बाद फाइनल करके यूजर तक अपडेट पहुंचा देगी। यह साफ नहीं है कि इसे एंड्रॉइड के लिए होगा या फिर सिर्फ iOS यूजर के लिए ही रोल किया जाएगा। व्हाट्सएप से जुड़ी दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो एक बड़ा फीचर टेस्टिंग के फेज में है। लिंक डिवाइस के फीचर के तहत आने वाले समय में एक साथ एक से ज्यादा स्मार्टफोन में व्हाट्सएप आसानी से चलाया जा सकेगा। अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने फेवरेट 10 को किया याद। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले ने बीते दिन पाकिस्तान के खिलाफ परफेक्ट 10 को याद किया है। 7 फरवरी 1999 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट कप्तान अनिल कुंबले ने इतिहास रचा था। कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट झटकने का करिश्मा कर दिखाया था। टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे थी और कुंबले के इस शानदार गेंदबाजी के दम पर जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी की गई थी। कुंबले ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम को दूसरी पारी में 207 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और भारत ने यह मैच 212 रन से जीत लिया था। इस मैच में कुंबले द्वारा 10 विकेट लेने पर श्रीनाथ का भी बड़ा योगदान था। इस खास दिन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनाथ जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें भरोसा था कि वो 10वां विकेट मैं ले लूंगा। टी ब्रेक के बाद मैंने 7वां, 8वां, 9वां विकेट लिया। थोड़ा अजीब था, पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लेना मेरी किस्मत में लिखा था। रिलायंस में निवेश करने के लिए अमेजॉन आया सामने। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार बुलंदियों की सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19
के माहौल में भी घर से काम करते हुए जियो की करीब $20 बिलियन की हिस्सेदारी अब तक मुकेश अंबानी ने बेच दी है। यह रिलायंस रिटेल की बारी है, जिसके बाद मिली जानकारी के अनुसार अमेजॉन रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने के इच्छुक है। अमेजॉन की इच्छा रिलायंस के रिटेल कारोबार की कंपनी में करीब 9.9% हिस्सेदारी खरीदने की योजना है। इससे पहले मुकेश अंबानी के रिलायंस ने अपने डिजिटल शाखा रिलायंस जियो के लिए अप्रैल से अब तक विभिन्न निवेशकों से लगभग $20 अरब जुटाए हैं। निवेशकों में अल्फाबेट, फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम जैसे दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। कंगना पर नाराजगी जाहिर करने पर ट्रोल हुए समीर सोनी। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद लगातार टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक नेपोटिज्म के मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा देखने को मिल रही है। वहीं इस पूरे मुहिम में कंगना रनौत काफी ज्यादा उभर कर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन और बॉलीवुड में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के कारण अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता समीर सोनी भी अब एक पोस्ट के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। समीर सोनी ने हाल ही में कंगना रनौत के इंटरव्यू में दिए गए बयान पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जिसके बाद लोग अभिनेता को कमेंट सेक्शन में ट्रोल कर रहे थे। और यही कारण है कि समीर सोनी ने थोड़े टाइम के बाद उस पोस्ट को हटा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने फॉलोअर से माफी भी मांगी। दरअसल समीर सोनी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, मैंने पहले भी कहा है कि जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जाने की खबर बहुत ज्यादा दुखद है और वो न्याय के हकदार है, लेकिन मैं कंगना रनौत के खिलाफ हूं जो उनके नाम पर इस्तेमाल करके अपना उद्देश्य साझा कर रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार COVID-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।